कोलकाता आनंद का शहर, द सिटी ऑफ जॉय, जैसा सभी लोग कहते हैं। बंगाल का मतलब हम समझते हैं मछली, मिष्टी दोई, रसगुल्ला, चाय, नाच गाना और पॉलिटिक्स। ये सारी चीज़ें बंगाल के लोगों के जीवन का हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर शंकर और मैं हूं कोलकाता में। ब्लॉगिंग के इस सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगा बंगाल की संस्कृति, यहां की छोटी बड़ी मज़ेदार किस्से और कहानियां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मछली, मिष्टी दोई, रसगुल्ला, चाय, नाच गाना और पॉलिटिक्स से हटके मैं आपको एक और ऐसी स्पेशल चीज़ से आपका परिचय करवाऊंगा, जिसका कि बंगाली लोगों के जीवन और बंगाली लोगों की संस्कृति में विशेष महत्व है। छुट्टी है तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। कोलकाता के पुकुर, पुकुर मतलब तालाब, द पॉन्ड्स ऑफ कोलकाता। दोस्तों, बंगाली संस्कृति में हमेशा से ही तालाबों का एक विशेष स्थान रहा है। विभिन्न अनुष्ठानों, व्रतों और त्योहारों का तालाबों से एक अनोखा संबंध पाया जाता है। मैं इस समय कोलकाता के गड़िया क्षेत्र में हूँ और लगभग 2 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, एक पाड़ा से होते हुए दूसरा पाड़ा, पाड़ा का मतलब कॉलोनी, एक कॉलोनी से होते हुए दूसरी कॉलोनी जाते हुए लगभग 2 किलोमीटर का मैंने पैदल आज घूम कर देखा है। और इस 2 किलोमीटर के क्षेत्र में ही मुझे 10 या उससे अधिक ऐसे तालाब देखने को मिल गए हैं। दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूर पर एक पार्क होता है, मुझे लगता है कोलकाता में जिस क्षेत्र में मैं हूँ, यहाँ पार्क नहीं, पॉन्ड्स होते हैं, पुकुर होते हैं, तालाब होते हैं पार्क की तरह। इन तालाबों से सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होता है जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके घर नहीं हैं और जिनके घर में पानी नहीं, वो इन तालाबों में नहाते हैं और अपने कपड़े बर्तन धोते हैं। देखा जाए तो ये तालाब सोशल इंटरेक्शन के बहुत अच्छे केंद्र हैं। यहाँ पर लोग नहाने के लिए आते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं और फिर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये पानी यूज़ करने लायक है या नहीं, इस बात की परवाह किए बगैर अंडर प्रिविलेज लोग इस पानी का खूब उपयोग करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ये तालाब बहुत बड़े बड़े आकार के हुआ करते थे और इनकी संख्या भी हज़ारों में थी। शैतानी लालच ने इन तालाबों को निगल लिया है, इनका आकार अब बहुत छोटा छोटा रह गया है और इनकी संख्या भी अब पहले के मुकाबले आधी हो गई है। जो बचे हैं, रखरखाव की कमी की वजह से वो भी सिकुड़ते जा रहे हैं। मेरा मत है कोलकाता के इन सुंदर तालाबों को बचाया जाना चाहिए, जिससे हमारे समाज को इसका फ़ायदा मिलता रहे। इन तालाबों के आसपास जो सुंदर एक इकोसिस्टम पनपता है, उससे हमारी धरती को फ़ायदा मिलता रहे। सभी का प्रयास इसमें ज़रूरी है, तो आइए सभी हम मिलजुल कर प्रयास करें और इन तालाबों को सुरक्षित बनाए रखें, इन तालाबों को हम बचाएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जल्द होगी आपसे हमारी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।